नमस्कार फ्रेंड्स, हम ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर आबू में यहाँ पे उपस्थित है और हमारे साथ जुड़ी है संगीता जी, बीके संगीता जी। संगीता जी, ओम शांति। ओम शांति। हम यहाँ पे निर्माण भवन पे है और ये निर्माण भवन क्या है और ये हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफिस है। जितना भी कारोबार हमारा कंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स का होता है वो सारा यहाँ से हमारे भरत भाई जी हैं जो इंचार्ज हैं वो संभालते हैं। और ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है। और ये आप जिस कॉम्प्लेक्स में खड़े हो ये कॉम्प्लेक्स पूरा 60 से 70 बीघा के अंदर बना हुआ है, जिसमें से एक बिल्डिंग हमारी ये निर्माण भवन है जी। दर्शक मित्र, हम आपको कराएंगे पूरे ये ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से, तो हम पूरी सैर कराएंगे आपको कि यहाँ यहाँ क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है और कितने लोग यहाँ पे आते हैं और मेडिटेशन कैसे होता है, मेडिटेशन हॉल कैसा है, वो सब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं सर। यहाँ पे आप देख रहे हैं दर्शक मित्र, ये दिवाली सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे जो लाइटिंग की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से इस इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारी सेंटर को सजाया गया है। आप देखते ही खुश हो जाएंगे, तो हम आपको दिखाते हैं पूरी यहाँ पे कैसे लाइटिंग की गई हुई है। फास्ट चलना पड़ेगा लाइट करना चलता, क्योंकि क्योंकि नहीं तो टाइम ऑलरेडी 9 बज गया। बड़ा बता रहा है क्या खाना बचता है ऐसे ही आपको लाउडली बोलना है, तो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया है। आप सभी को एक्जोटिक मीडिया की तरफ से दिवाली की शुभकामना। आज हम पहुँचे हैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर, जहाँ से आप देख रहे हैं मैं लाइव, और यहाँ के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। और उसे बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ की हमारी दीदी जो टीचर हैं संगीता जी को। संगीता जी आप आइए और थोड़ा यहाँ के बारे में हमें बताइए कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं उस जगह का क्या महत्व है। 1969 को जब हमारे जो संस्था के संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा, उन्होंने जब अपना देह त्याग किया था तो दादी प्रकाशमणि जी को अपना सारा कारोबार सौंपा था, तब से वो हमारे चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बने थे। 25 अगस्त 2007 में उन्होंने अपना देह त्याग किया था और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वो परमात्मा की गोद में गए, और इसीलिए हम इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यहाँ पे सभी मेडिटेशन करते हैं और उस प्रकाश वो शक्ति प्राप्त करते हैं। दीदी, जैसे कि नॉर्मली जहाँ तक मुझे नॉलेज है उसमें मेडिटेशन जो किया जाता था आंखें बंद करके, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन का एक अपना अलग एक महत्व है जो कि शायद खुली आंखों से करा जाता है, तो उस
उस मेडिटेशन का महत्व क्या है जो हम खुली आंखों से करें? उसके बाद से हमारे जो एडिशनल चीफ थी वो चीफ बनी दादी जानकी जी, जो वर्तमान समय 103 साल की है और देश विदेश मिरेकल है। यू नो, एक लगता है कि मेडिटेशन में कुछ पावर है और जो यहाँ पे देखने को मुझे मिला है, मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा उनकी फोटो से। आप देख सकते हैं दादी जी, दादी जानकी जी जो हाल फिलहाल में जो चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं और अभी 103 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आपको देख के उनकी आवाज़ में आज भी उतना ही कॉन्फिडेंस है जो 40-50 साल की उम्र वाले में कॉन्फिडेंस होता है। तो बिलीव मी, हम कुछ और जानना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में, और आप ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि लाइव शो, लाइव इंटरव्यू एंड लाइव फुटेज फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी ऑन एनी अनदर वेब चैनल, दिस इज फर्स्ट वेब चैनल इकोस्टिक मीडिया। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये पूरा जो यहाँ का जो मेडिटेशन है उसको राजयोग कहा जाता है। आप देख सकते हैं राजयोग से ध्यान और संयम आता है, राजयोग से निर्णय शक्ति का विकास होता है। यहाँ का जो योग है उसे ही राजयोग कहा जाता है, जिसे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर रूप से बना हुआ है, प्राकृतिक जगह पे बना हुआ है, जिसको देख के अपने आप ही आपका मन एकांत शांत चित्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं जिस शांति को आप महसूस करना चाहते हो कहीं और नहीं, यहाँ पर भी आप महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक भी पिलर का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर एक साथ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एटलीस्ट 40,000 पीपल्स कैन टुगेदर बैठ कर उस कल्चरल प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे जो डेली की यहाँ की क्लासेस कंडक्ट होती है वो सब यहीं से होती हैं। अगर क्राउड ज़्यादा है तो एक साथ 40,000 लोग बैठ कर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ट्रांसलेटर का, यहाँ पर एक साथ बैठ कर अलग अलग 17 से 18 लैंग्वेज का ट्रांसलेशन सेम टाइम पे होता है, ताकि अगर कोई जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में वो समझ सके। सो इट्स अपने आप में एक यूनिकता को दर्शाता है। आइए हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे और संगीता जी बताएगी इसके बारे में। वो भी यहाँ पे ही होता है और अभी भी 15 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें यूपी से लगभग 16-17 हज़ार लोग आ रहे हैं, और जो मुरली क्लास हम जिनको बोलते हैं डेली मॉर्निंग क्लास 7 o'clock जो होती है वो भी यहीं पे होती है। और ऑलरेडी हमारे बहुत सारे भाई बहन आ चुके हैं और कल तक या परसों तक लगभग 17,000 लोग यहाँ पे आ चुके होंगे। आप जो ये देख रहे हो ये हमारा स्टेज है और यहाँ पे LED स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं, ताकि जो पीछे एकदम बैठे हुए हैं या बालकनी की व्यवस्था जो ऊपर है वहाँ से भी लोग, बीच बीच में भी LED स्क्रीन्स लगी हैं ताकि लोग अच्छे से स्टेज के कार्यक्रम को देख सकें। और जो ट्रांसलेशन केबिन्स आप देख रहे हैं ऊपर साइड में, ये सारे अलग अलग भाषाओं में एक साथ FM फ्रीक्वेंसी के आधार से ट्रांसलेशन की जाती है। एक ही साइड में आप देख रहे हैं सारा साउंड कंट्रोल सिस्टम है, एक साइड में लाइट कंट्रोल सिस्टम है, जितने भी हैं यहाँ पे लाइट साउंड कंट्रोल सिस्टम सब यहीं से चलता है। बहुत ही अच्छा दी, वाकई में मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। अनेकता में एकता नज़र आती है कि यहाँ पे जब मैं भी आया हूँ तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो है। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं स्टेज, साथ में ट्रांसलेट रूम, जहाँ पर एक साथ आप कई लैंग्वेज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं,
यहाँ की एकदम ब्यूटीफुल थॉट्स अगर आप पढ़ें तो शायद आपके दिल को शहर दिल तक अंदर तक आप छू सकते हैं। को बाहर से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे अपने आप में सब तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है, चाहे वो खाने से हो, मेडिटेशन से हो, चाहे वो दवाइयों से रिलेटेड हो। हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में जो जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक है वो सब यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप देख सकते हैं एकदम साइलेंट पीस, प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में, बहुत अच्छा वेदर, क्योंकि माउंट आबू अपने आप में एक वेदर के लिए जाना जाता है, टूरिज्म से। और वहाँ पर जहाँ पर माता जी का साक्षात विद्यापीठ शक्तिपीठ हो, जैसे माउंट में अगर आप जाएंगे तो 28वां शक्तिपीठ माता जी का, दत्तात्रेय भगवान का चरण पादुका स्थल जहाँ उन्होंने खुद तपस्या की, अपने आप में कह सकते हैं कि एक धाम है। और यहाँ पर इस तरह की एक खूबसूरत शुरुआत लोगों को जोड़ने की, लोगों को अपने आप को पहचानने की स्वयं ब्रह्म कुमारी द्वारा। अब आप देखिए इधर, और यहाँ पर जितने भी भाई बहन आते हैं उनके रुकने के लिए भी निशुल्क सेवा है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ कुछ पेमेंट करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, जस्ट ऑल आर फ्री ऑफ चार्ज। और बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवाएं की जाती हैं, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, हर किसी को समान रूप से आका जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, आप दूर तक अगर नज़र डालेंगे तो बहुत सुंदर विशाल ऑडिटोरियम दिवाली की रौनक को दर्शाता हुआ। यहाँ हमारे कई भाई बहन अभी वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ का मोस्टली यूनिफॉर्म वाइट सफ़ेद, हाल रूप से धारण किया हुआ ब्रह्म कुमारी का यह विश्वविद्यालय। शायद जहाँ पे भी आपको लगे हमें गाइड करते जाएं कि क्या चीज़ है, ताकि आपके थ्रू हमारे थ्रू यह लोगों तक विस्तार से पहुँचे, उनको जानने की उमंग, और वो खुद स्वयं इसे देखने के बाद यहाँ पहुँचे और स्वयं में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। तो ये क्या है? ऑलरेडी आप बता चुके, ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है। ओके। यहाँ पे और जब थोड़े भाई बहने होते हैं तो यहाँ पे रहते हैं। हमारे इस संस्था मतलब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत मोर देन 60 डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो छोटे बड़े सभी अंतर्गत जितने भी भाई बहने आते हैं उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे कोई गुरु शिष्य की सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली सिस्टम चलती है। और फैमिली के अंतर्गत हम लोग जिस ढंग से आते हैं, रहते हैं, करते हैं, उनको उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे यात्रा भोजन विभाग भी है, किचन भी है जो फुल सोलार से चलता करता है। इस प्रकार से बहुत चीज़ें आप अभी देखते चलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है आगे। और शिव जी का झंडा लहराया जाता है, शिव परमात्मा का, उनकी याद में 15 अगस्त को भी हम लोग यहाँ पे झंडा लहराते हैं ऐसे। और अभी ये जो स्वच्छता अभियान मोदी ने निकाला है उसके अंतर्गत हमारे जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी जिसके बारे में हमने बताया था उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हमारे दादी जानकी जी को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे हमारे हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं। आबू के अंतर्गत बहुत बड़ा सोलर का प्लांट भी लगा हुआ है, तो ये इंटरनेशनल क्वार्टर्स हमारा बनता है ऐसे। अब आगे आगे देखेंगे आप किस प्रकार से सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल, लेबर हेल्दी हॉस्पिटल, यहाँ पे लिटरेचर डिपार्टमेंट्स भी हैं, कैसेट डिपार्टमेंट्स भी हैं, साउंड सिस्टम भी है, साउंड का पूरा कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट विंग्स बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं अलग अलग ढंग से दी जाती है। इसमें भी जो भी भाई बहने आते हैं उनको रिसीव करना, उनको छोड़ना करना, ये सब हमारे भाई बहने संभालते हैं। रात के 12 बजे हो, दिन के 4 बजे हो, या कभी भी हो, कोई भी अथक सेवा देता है यहाँ पे।
अब भी हमारे जो पार्टीज आएंगी, अगर रात के 12 बजे भी कोई आ रहा है तो हमारे भाई बहनें उपस्थित रहते हैं, उनको रिसीव करते हैं, एकोमोडेशन देना, ये करना, ऐसे नहीं कि हम थक गए। किसी के चेहरे पे आप कभी शिकन नहीं देखोगे, इतने दिल से वो लोग सेवा करते हैं। मतलब एक फैमिली फीलिंग अगर अनुभव करनी है तो वो आप यहाँ पे आइए और देखो कि किस प्रकार से ये फैमिली चलती है। ये तो मैं भी 2 दिन से पिछले देख ही रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सेवाएं बहुत दिल से करते हैं, कहीं भी कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है और यहाँ पे अपने में आप में एक अपनापन महसूस होता है। चलिए हम थोड़ा और आगे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कितने देशों में ये फैला हुआ है। कंप्लीट 137 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, लगभग सभी जगहों को हम लोगों ने पूरे विश्व में मतलब हमारे आश्रम हैं, सभी जगह सेवाएं हो चुकी हैं हमारी, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, दुबई हो या अबू धाबी हो, कहीं पे भी आप जाओगे आपको हमारे सेवा केंद्र मिलेंगे। वो हमारा एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, हम इसको एवर हेल्दी हॉस्पिटल के नाम से कहते हैं क्योंकि हम तन और मन अरे दोनों से तंदुरुस्त रखते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा एवर हेल्दी हॉस्पिटल, यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जितने भी भाई बहने आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, या कोई भी हो, आपको ये पूरी सेवाएं दी जाएंगी यहाँ पे। और उन सबको ट्रीटमेंट भी दी जाती है, छोटे छोटे बेड्स भी लगे हुए हैं एमरजेंसी के लिए, और यहीं पे कॉम्प्लेक्स के बाहर हमारा खुद का ट्रॉमा सेंटर भी है। ऐसे इसमें मतलब बाहर के लोग आते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ पे जो भी भाई बहन आते बहुत से सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आपको होम्योपैथी में जाना है तो होम्योपैथी, एलोपैथी में जाना है तो एलोपैथी, और आयुर्वेद में जाना है तो आयुर्वेद। अगर थोड़े से बेड्स भी लगे हुए हैं इमरजेंसी के लिए कि भाई किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ये सब तो मतलब हर प्रकार से आपको दिखाते हैं। ये तो आपने बताया, बट डॉक्टर्स की टीम कैसे होती है? डॉक्टर्स टीम सारी समर्पित भाई बहन ही हैं हमारे, जो पूरे यहाँ पे ही रहते हैं और करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। जी, तो अभी आगे चलते हैं। और ये गिफ्ट आइटम्स होते हैं या फिर लिटरेचर्स हैं या कैसेट्स हैं, वो सब यहाँ पे हैं। ये यहाँ का और हर प्रकार के डिपार्टमेंट मिलेंगे, फुल पूरा यहाँ पे हमारे सोप डिपार्टमेंट तक भी है। एक एरिया है जहाँ पे पूरा अनाज रखा जाता है, अनाज साफ करना, ये करना, ये मतलब ये पूरा किचन का एरिया, ये पूरा किचन एरिया है हमारा। ये सामने आप देखोगे शिव भोलेनाथ का भंडारा लिखा हुआ है जी, मतलब आदि। तो ये पूरा एरिया डाइनिंग एरिया इसके अंदर है, इसमें सब्जी डिपार्टमेंट है जहाँ पे सब्जियाँ काटी जाती हैं, अलग से सब्जी डिपार्टमेंट, अलग से खाना बनाने का डिपार्टमेंट, रोटी डिपार्टमेंट सब है। ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें हमारा रेलवे स्टेशन है, आईटी टीम, आईटी डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक साथ में घना भोजन ज्यादा भोजन पर हमारे जो मंथली मैगजीन्स बनते हैं वो प्रिंट वगैरह सब यही होते थे, अब ये शिफ्ट हो चुका है दूसरी जगह पे, पहले ये यहीं पर होता था जो हमारे मंथली मैगजीन जो वर्ल्ड यूनिवर्स और गैलरी जी। इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे कमर्शियलाइज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट रिंग्स भी बने हुए हैं जिसमें आपको रेल सर्विस डिपार्टमेंट भी मिलेंगे, आपके अंदर रेडियो है हमारा खुद का और हमारे दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आईटी रिंग्स का पार्क रिंग बना हुआ है, उसकी ऑफिस यहाँ पे है, ऐसे लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, जूरिस्ट रिंग्स वगैरह की ऑफिस यहाँ पे,
पूरी क्वार्टर सजाई हुई है लाइटिंग से, बाकी के आप जितने भी देख रहे हो बिल्डिंग वो सब हमारे, ये सब हमारे ये हैं मतलब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे भाई जाने से होने की व्यवस्था सारी है। और रेसिडेंस मतलब ये ऐसे बहुत है ऐसे, मतलब न्यू डायमंड हाउस है, डायमंड है अपने, लगभग समझे 10-12 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे ऐसे। और इस 60-70 बीघा के बाहर हमारे जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मनमोहिनी, आनंद सरोवर आदि जी, जहाँ पे भाई बहनों के लिए व्यवस्था जी। अभी हम आगे और क्या कुछ देखेंगे, और आगे क्या? हमारे बहुत अच्छा तपस्या धाम बना हुआ जी, है तो चलिए जो लोटस के शेप पे बना है, आप देखोगे तो चारों तरफ से ऐसे लगेगा कि आप लोटस के अंदर बैठ के और इसमें आप मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ही अच्छे।